गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये हमारे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले हम समझ लें कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें यहां दिमाग में एक बात रखनी है कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंग्लिश में इनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये जो हमें तीन नंबर्स ऑफ सेट दिखाई दे रहे हैं, तीन नंबर के जो सेट दिख रहे हैं, हमें क्या करना है, इनको यहाँ पेश करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है कि क्या ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर के रूप में ये तीनों हो सकते हैं कि नहीं। चलिए तो हम देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे इसको पहले से लिख के रखा है, तो आपको इनमें से कुछ वर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी कि कैसे क्या लिखना है। बाकी ये सिर्फ एक प्रेजेंट करने का ही क्वेश्चन है, बस इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे शुरुआत इस चीज से करनी पड़ेगी कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b इज इक्वल टू 6 है। तो यदि आपको थोड़ा सा याद होगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें ये a b Q और R इन तीनों का यूज़ हुआ है। तो यहाँ हम यही देखेंगे कि इनका किस प्रकार से है। तो यहाँ लिखा भी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये जो एल्गोरिथम है ये हमें डिवाइडेशन में यूज़ होता है और इसी के थ्रू हम काफ़ी जानकारियाँ निकालते हैं। तो चलो यहाँ देखें कि ये जो है, और ये हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही एक पार्ट है ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये सभी ए के इक्वल में हम लोग मानना है। चलिए तो आगे बढ़ें। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम देखते हैं ए बराबर 6q+r, ध्यान रखना ए बराबर 6q+r, ठीक, जहां पे q जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला q। और R जो है, अब जो रिमाइंडर है तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो होता है 6 से छोटे होंगे। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि 0 से R बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और R जो R से बड़ा क्या होगा, 6। ये जो R है, ये सभी जो नंबर्स, इनसे बड़ा कौन, ये 6 है। इसका मतलब ये सभी जो रिमाइंडर है ये 6 से छोटे होंगे। चलो अब आगे देखें, ये इतना तो समझ में आया, इसलिए a बराबर 6q या 6q+1, ठीक, a बराबर 6q या 6q+1, और 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+5 हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप यहां जो देख रहे हो कि 6q+r, इससे सभी छोटे होने चाहिए और R हमें पता है 6 से छोटा होगा, तो इसलिए हमें ये सभी कंडीशन जो आप यहाँ देख रहे हो ये हम बना सकते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ ये R यहाँ 0 है, R यहाँ 1 है, R 2 है, R 3 है, R 4 है, R 5 है, ये जो आप ऊपर देख रहे होंगे, ठीक। चलो आगे बढ़े, अब हमें 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो हमारा क्वेश्चन था, हमें उनको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, 2 × 3q+1, ये कुछ हमें सेट्स बनाने पड़ेंगे। ये 6 जो होता है, 6 को हम इस हिसाब से तोड़ सकते हैं, 6q+1 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3q एज इट इज, द्वितीया 6 होता है। चलो आगे देखें, 2k1, हमें k1 पता है, यहाँ पे k1 एक क्या होगा, एक पूर्णांक है, ठीक है, तो यहाँ पे है +1, यहाँ k1 एक पूर्णांक है। चलो आगे देखें, 6q+3, तो यहाँ 6q+2+1, 2 और 1
थ्री हो जाएंगे। तो ये हमने इसको इस हिसाब से तोड़ लिया, ठीक, इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन, ठीक। तो आगे जाके होगा ये टू क्यू प्लस वन, जहाँ के टू एक पूर्णांक है, ठीक है। इसी तरह सिक्स क्यू प्लस फाइव में सिक्स क्यू प्लस फोर प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव होते हैं, जैसा टू प्लस वन थ्री होते हैं। तो ये इस तरीके से टूटा। अब ये सिक्स क्यू को हमने यहाँ ये ऐसे तोड़ा है, यहाँ भी तोड़ा है, देखो प्लस टू प्लस वन, तो यहाँ पे टू के थ्री प्लस वन, जहाँ के थ्री क्या है, एक पूर्णांक है। चलो अब देखते हैं कि इस प्रकार से ये क्या हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव सभी टू के प्लस वन के रूप में है। हाँ, ये हम देख रहे हैं, ये सभी इसी रूप में है, ठीक है। जहाँ पे ये जो के टू है, के थ्री है और ये के वन है, ये सभी क्या है, हमारे पूर्णांक है, जहाँ के भी एक पूर्णांक है। इसलिए सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव सभी दो से विभाजित नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सभी हैं, हमें तो ये रिमाइंडर देख के ही पता चल रहा है कि ये सभी टू से विभाजित नहीं होंगे। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं, और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, ठीक है। जब ये टू से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सभी क्या है, ये सभी सम क्या बोलते हैं, विषम है, और विषम है तो यहाँ हमें प्रूफ करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये सभी हैं। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। थैंक यू।